मुझे पता है चित्रा, सब लोग यही प्लान कर रहे हैं कि मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलूं। सबकी कोशिश यही चल रही होगी कि मैं होली खेल लूं। पर उनका दिल रखने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया है। मैं नए कपड़े पहन लिए हैं, पूजा भी हो गई, बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने ठान ली है कि मैं होली नहीं खेलूंगा। अपने ऊपर मैं रंग का एक छींटा तक नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद होली का मेरी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। माधव, अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बाहर जाइए, अपनी जिंदगी में थोड़े रंग भरिए। मैं नहीं चाहती कि होली के दिन भी आप अपने आप को कमरे में ऐसे बंद रखें। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं होली के त्योहार के दिन यहाँ अकेले बैठा हुआ हूँ, तो तुम मुझे छोड़ के गई क्यों? तुमने ही मुझे होली के मायने बताए थे ना। तो अब ये त्योहार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कि होली से पहले क्रीम क्यों? क्रीम लगाकर होली खेलने से रंग जल्दी उतर जाता है। पक्का ना? हाँ। हैप्पी होली। ये क्या कर रही हो तुम? ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है माधव, एक मिनट। हाँ, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई होली मनाता है? होली तो ऐसे ही मनाते हैं। आपको पता है माधव कि होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों? एक दिन छोटे से कृष्णा जी ने यशोदा मैया से शिकायत की कि वो इतने काले क्यों और राधा जी इतनी गोरी क्यों हैं? ये तो बात गलत है। उनके भोलेपन को और उनकी उदासी को देखकर यशोदा मैया ने उनसे कहा कि वो जाकर राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दे, जो भी उन्हें पसंद हो, और रंग ले उन्हें अपने रंग में। कान्हा जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। जाकर उन्होंने राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दिया और तब से दोनों हर होली पे एक दूसरे को अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये लो, अब से हमेशा के लिए तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा कृष्ण। माधव, मैं भी हमेशा आपके रंग में रंगे रहना चाहती हूँ।